अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राणा अदनान मुदस्सर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से। आज हम बात कर रहे हैं प्रीसिंक्ट 31 के बारे में। प्रीसिंक्ट 31 में बने बनाए घर यानी बहरिया होम्स के नाम से प्रीसिंक्ट 31 विलास कहलाते हैं। यहाँ पर इन विलास के बारे में हम अपडेट कर रहे हैं कि यहाँ डेवलपमेंट का काम काफ़ी अच्छी स्पीड से हो रहा है और पोजीशन बहुत सारे लोगों को देने के लिए बहरिया तैयार है। शुरू वाली जो 5, 6, 7 स्ट्रीट्स बनती हैं वहाँ पर ऑलमोस्ट 100% फिनिशिंग के साथ विलास अवेलेबल हैं। अब पीछे जो ग्रे स्ट्रक्चर विलास थे वहाँ पर काम 100% की बजाय तकरीबन कोई 40 या 50% की स्पीड से काम चल रहा था। अभी काफ़ी अच्छी स्पीड से काम वहाँ पे हो रहा है और आई बिलीव कि विद इन दिस ईयर हमें यहाँ पे विलाज जो है वो डिलीवर हो जाएंगे कस्टमर्स को। अभी बहुत सारे कस्टमर्स थे वो इस चीज़ के बारे में जानना चाह रहे थे कि अभी इनको कीज़ कब मिलेंगी, ये यहाँ पर रिहाइश को कब अख्तियार कर सकेंगे। तो एक चीज़ मैं बताता चलूँ, यहाँ पर जो मस्जिद बन रही है इस प्रीसिंक्ट के अंदर, इस प्रीसिंक्ट की अपनी मस्जिद, वो मस्जिद काफ़ी हद तक तैयार है। तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 95% तक यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है। अभी इसकी इनॉग्रेशन नहीं हुई, बहुत जल्द ये भी कर दी जाएगी। जैसे यहाँ पर पोजेशन हैंडओवर होगा तो यहाँ एक अच्छी सेरेमनी बहरिया टाउन का करने का इरादा है। मज़ीद ये बता दूँ कि यहाँ पर जो कमर्शियल और पार्क का एरिया है इसको बड़ी स्पीड से डेवलप किया जा रहा है। कुछ हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो क्लिप के अंदर आपको दिखाया जाए। और ये भी अपडेट करते चलें कि यहाँ पर जो पीछे एक बरसाती नाला इसके अंदर से गुजर रहा है, कुछ लोग उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं, लेकिन आई बिलीव कि जब आप लोग इसको देखेंगे इसकी डेवलपमेंट के बाद फिनिशिंग फॉर्म में देखेंगे, ये जो नाला है कंक्रीट का बना दिया गया और इसके साथ साथ जो सेमी कॉर्नर विलाज हैं यानी जहाँ पर डेड एंड आ जाता है या सेमी कॉर्नर विलाज वेरी क्लोज टू दिस बरसाती नाला, अगर आप लोग इसके करीब लेंगे तो इन फ्यूचर आप लोगों को ग्रीन एरिया जो बिल्कुल फ्री है वो आपको मिलेगा, जो इसके साथ में काफ़ी सारा ग्रीन एरिया, यानी अगर विलास का साइज़ 200 या 235 गज़ है तो उसके साथ में कम अज़ कम 150 से 200 गज़ की ज़मीन है जो आपको ग्रीन एरिया के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो इन एरियाज़ में ऐसे विलास हैं जो नाले के साथ साथ हैं। ये ग्रीन एरिया इन फ्यूचर कैसा होगा अगर आप लोग इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत अच्छी एग्जाम्पल इकबाल विलास के अंदर मौजूद है। तो मैं कुछ कोशिश करूंगा कि इस वीडियो क्लिप के अंदर हम इकबाल विलास का एक छोटा सा क्लिप भी हम आपको मेंशन करके दिखाएं। तो अगर इन फ्यूचर ये इस तरह से बन जाता है और डेवलप हो जाता है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे आप लोगों को रिहाइश अख्तियार करने के लिए और ख़ासतौर पर उन लोगों को जो वेस्ट ओपन या ग्रीन एरिया को इन्जॉय करना चाहते हैं। अच्छे खुले हवादार ये घर होंगे। प्रीसिंक्ट 31 की एक और ख़ास बात बताता चलूँ कि मेन जना एवेन्यू के ऊपर वाकया ये प्रीसिंक्ट बहुत अच्छी लोकेशन का है। डिस्टेंस वाइज अभी मेन जना एवेन्यू से अगर जो गेट है बहरिया टाउन कराची का सुपर हाईवे के ऊपर, वहाँ से अगर इसको मेजर किया जाए अप्रॉक्सीमेटली कुछ 16 से 18 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ तक बनता है। लेकिन इसके साथ साथ स्पोर्ट्स सिटी रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स सिटी विलाज जो कि 350 स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमिल ये विलाज हैं, ये विलाज इस प्रीसिंक्ट 31 के बिल्कुल करीब हैं और इसके साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल एक स्ट्रीट से। वेरी नेक्स्ट स्ट्रीट जो है वो स्पोर्ट्स सिटी विलाज की है। तो लिहाजा ये एरिया अपनी अहमियत जो है इसको डबल कर देता है जब हम रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की, मेन जना एवेन्यू की और आईफल टावर की हम बात यहाँ से मुंसलिक करते हैं। तो ये चीज़ हम बताते चलें कि बहुत जल्द आपको यहाँ पर घर डिलीवर कर दिए जाएंगे। अगर कीमतों की बात करें तो अभी मार्केट स्लो होने की वजह से और टैक्स इम्प्लीमेंटेशन की वजह से मार्केट अभी नहायत रीज़नेबल है। इस टाइम 95 लाख रुपीज़ में आपको एक रीज़नेबल विला यहाँ पर मिल जाता है जो ग्रे स्ट्रक्चर होता है। अगर रेडी जो विला है फिनिशिंग के साथ आप लेते हैं तो आई बिलीव कि वो भी विला आपको 110 से 120 तक के प्राइस में मिल जाता है। लेकिन अगर तैयार विला भी आप लेते हैं तो यहाँ पर अभी बहरिया टाउन ने, जिस तरह मैंने मेंशन किया कि कीज़ हैंडओवर नहीं की, बहुत जल्द पोजीशन हैंडओवर करने का इरादा है बहरिया मैनेजमेंट का। यहाँ बेसिक फैसिलिटीज जैसे ही इन्होंने 100% पूरी कर दी, जिसमें सिक्योरिटी, बिजली, पानी, गैस और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, ये सारी चीज़ें हो जाएं, मस्जिद, कमर्शियल और पार्क, जिस दिन ये तीनों चीज़ें फंक्शनल हो गई एक अच्छी सर्विसिंग करने के बाद यहाँ पर पोजीशन हैंडओवर कर दिया जाएगा। और वो लोग जो लंबे अरसे से वेट कर रहे हैं प्रीसिंक्ट 31 विलास का पोजीशन लेने के लिए, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहरिया मैनेजमेंट को अपनी एप्लीकेशन लिखें, ऑनलाइन ईमेल करें आप लोग या खुद आकर मिलें, क्योंकि बहरिया टाउन बहुत करीब है यहाँ पोजीशन देने के। आप लोग अपने विला का स्टेटस जानने के लिए मुझसे और मेरी टीम से रابطہ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।